क्यों नहीं भाई, मंदिर तो बनना जरूरी है ही, हो तो बनना ही चाहिए, क्योंकि जब वो तोड़ा गया था, इतिहास साक्षी की तोड़ा गया है, नष्ट किए गए हैं मंदिरों को, धर्म की परंपराओं को नष्ट किया गया है। अगर कोर्ट नहीं बनने के लिए आदेश देता है तो संत क्या करेंगे? अब वो कोर्ट के आदेश पर तो वो टूटा नहीं था, वो तो ठीक है ना जी, शासन ने जबरदस्ती बर्बरतापूर्ण तोड़ा था उसको जी। तो इसी प्रकार से और शासन को उसकी में को चाहिए कि जल्दी उसका निर्णय दे दे, ये जरूरी है, निर्णय तो जल्दी देना चाहिए, बहुत समय से निर्णय देना। बहुत सारे संत कह रहे हैं कि हम अगर शासन कुछ नहीं करता है, कोर्ट के आदेश जो भी आएगा आएगा, लेकिन हम लोग का निर्माण दिसंबर में शुरू हो जाएगा। अब देखो तो दिसंबर आने वाला, एक महीने बाद मालूम हो जाएगा। तो आप किस के पक्ष में? अब हम तो सबके पक्ष में हैं। आप कोर्ट की तरफ जाएंगे कि? नहीं, हम तो उसके पक्ष में, सब में बैठे हैं, हम कोर्ट में बैठे हैं और हम संतों में बैठे हुए हैं जी। और हम सब में सबकी आत्मा बन के बैठे हुए हैं हम जी। क्या है, हम कोई उसमें नहीं है, हम सब में हैं, सत्वगुण में भी हम हैं, रजोगुण में भी, तमोगुण में हैं, लेकिन हम प्रचार करते हैं सात्विकता का, कि सत्य से धर्म का वातावरण बढ़ता है, इसलिए सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए, जो सात्विक नियम है, सात्विक कानून है, उनका पालन होना चाहिए, उनकी उन्नति होनी चाहिए। स्वामी जी, ये चुनाव आ रहा है 2019 में, तो किस तरह की भविष्यवाणी करेंगे, किसकी सरकार बन सकती है, राहुल गांधी की, मायावती की, अखिलेश की, या नरेंद्र मोदी की? अब देखो, इस देश में जो है, तो पहली बात तो हम राजनीति से नहीं जुड़े हैं, हमारा राजनीति हमारा विषय नहीं है जी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो चल रही व्यवस्था चल रही है जी, वो योगी और मोदी की जो व्यवस्था चल रही है, ये राष्ट्र की इसमें उन्नति हो रही है और इससे बड़ा विकास हो रहा है, और आगे भविष्य में बड़ा विकास होगा और बड़ी देश की मजबूत होगा देश, और इसमें उन्नत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।